भैया ने बोला हमारी चिकन शॉप पे नहीं मिलती, हमारे तो पेड़ों पे मिलती है। अब देखो वो कह रहे थे पेड़ों पे चिकन रहती है, यहाँ पे देखो उन्होंने प्रूव भी कर दिया, ये बैठा हुआ चिकन पेड़ पे उड़ने वाला ये। अरे तभी तो ऊपर चढ़ा हो। अरे भाई पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ 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 पकड़। अपने फार्म हाउस, अपने सामान इधर के साइड सारे पैक हो चुके हैं और हमारी मम्मी भी रेडी है। चलो अब फाइनली चलते हैं हम वहाँ से, अपने मम्मी पापा को भी पिक करते हैं। और टोकियो भी भाई साहब, ये बेलो इसका क्या भूल गया मैं, ये पायरो था और हमारे पास बहुत सारे, कोई टेंशन नहीं वहाँ पे कुटाएंगे हम। ठीक है चलो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, सामान वान पैक करते हैं गाड़ी में और वहाँ से मम्मी पापा को भी पिक करते हैं, फिर निकलते हैं अपने फार्म हाउस। ठीक है चलो चलो जी आगे हम बेसमेंट, और बेसमेंट में सारा सामान हमने यहाँ पे ठूस दिया है। चलो अब और मेहनत है हमारी, चलो 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 जी हमारी धन्नो भी यहाँ पे रेडी हो गई है और हमारी मम्मी श्रेष्ठ दीपा, और इधर की साइड हम निकल रहे हैं बहुत। हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस न्यू ईयर मनाने, और ये हमारी आगे से धन्नो ऐसी लगती है, और साइड से देखो मम्मी यहाँ पे इंजॉय करती हुई हमारे चंपू ये रहा। चलो निकलते हैं, लेट्स गो। भाई साहब पेट्रोल पंप पे हमें इतने टाइम लग गया पूछो मत, बट यस डीजल जल्दी भर गया था मगर यहाँ पे हवा भराने में थोड़ा टाइम लग गया। पापा लोग आगे भी पहुँच गए हैं, बट चलो जल्दी जल्दी करते हैं और हम वेट कर रहे हैं, हमारे यात्रीगण यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा चंपू, मम्मी दीपा, आज दीपा ने वो ले रखा है कमान ले रखा है। यहाँ देखो भाई साहब हाईवे में पहुँचे हैं और इतनी तगड़ी तगड़ी फॉग रखे ना यहाँ पे, नोएडा में हमारे सूर्य देवता निकल गए थे और यहाँ पे देखो। चलो अभी हमारा एक स्टॉपेज है, उसके बाद हम निकलते हैं, थोड़ा खाना पीना करते हैं, उसके बाद निकलेंगे सीधा अपने फार्म हाउस और वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। ठीक है, और हमारा छुट्टू देखो यहाँ पे सो गया है, चलो निकलते हैं। यहाँ पे लग चुका है बहुत ही तगड़ा वाला जैम और हम हो चुके हैं 40 मिनट लेट। भाई डेस मम्मी पापा वहाँ पे पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, एक रेस्टोरेंट है चीतल चीतल करके, बट यस आई थिंक हमें लग जाएंगे 24 मिनट और, तो चलो चलते हैं। चलो जी फाइनली हम पहुँच चुके हैं चीतल ग्रैंड में, और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है जहाँ पे हम पेट पूजा करेंगे, और मम्मी पापा सचिन और दली अंकल मम्मी जी यहीं पे होंगे ऑलरेडी, तो चलो मिलते हैं उनसे भी। ये हमारा चीतल ग्रैंड, लेट्स गो। चलो जी फाइनल मम्मी पापा भी आ गए, सचिन भी रहा, और हम खाना खा रहे हैं इधर। तो खाना पीना हो गया और यहाँ पे देखो हमारा फोटोशूट चल रहा है चीतल ग्रैंड में। हम पहुंच गए हैं पूरे घनिष्ठ जंगलों में जहाँ पे लाइट का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहाँ पर एक टाइगर जैसे है, यहाँ पर एक बंदर है अभी, ये तो ये बंदर है ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। चलो भाई फाइनली वहाँ पे देखो आगे हमारी एक और गाड़ी जा रही है, और यहाँ से हमारे जंगल स्टार्ट होने वाले हैं, और जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हाथी है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चलो और जंगली जानवर। और यहाँ पे भाई इतने सारे जंगली मुर्गे मिलते हैं ना पूछो मत, और जंगली मुर्गे को हम बोलते हैं कड़कनाथ। ठीक है, और हाँ कड़कनाथ का वहाँ एक अंडा दिल्ली में पता कितने का है, 100 रुपए का, जस्ट इमेजिन है ना। 100 रुपए का अंडा, 100 रुपए का चलो भैया अभी दिखाते हैं और आगे जाके आपको, हाथी दिखाते हैं। चलो कितनी खतरनाक रोड आ गई यहाँ पे देखो, यहीं पे मिलते हैं वो सारे, यहीं पे मिलते हैं सारे हाथी बाघ चीते लोमड़ी आपके कड़कनाथ वो सब। यहाँ पे देखो
सारे के सारे डरे पड़े हैं। लोगों के मकान मम्मी देखो गाँव सामने आ गया भाई, यहाँ पे भूत भी होते हैं? नहीं आपको ऐसा पता मम्मी? नहीं, अरे होते हैं, मैंने सुना है बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो जंगल है तो होते ही होंगे। और क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आत्माएं, मैंने सुना है आत्माएं घूमती रहती हैं। मैंने सुना है यहाँ पे आत्माएं घूमती रहती हैं। ऐसा है? ऐसा है? नहीं, अरे डरो मत, मैं हूँ आपके साथ। मैं हूँ तांत्रिक पांडे जी। मम्मी साथ में सारी दुकानें देखो, भूतों को चाय पिलाते हैं भाई साहब। ये है हमारा जंगल, बीच में जो पड़ता है, जो आपको मैं बोल रहा था। और यस, यहाँ से हमें कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलानी है, उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और हम भी जंगलों के वो बीच में रहते हैं। आप फिर मैं आपको भूतों से मुलाकात कराता हूँ, ठीक है? यहाँ पे उतरे हैं हम चिकन लेने। ये देखो हमारी शॉप है इधर की साइड। भैया ने बोला हमारी चिकन शॉप पे नहीं मिलती, हमारी तो पेड़ों पे मिलती है। अब देखो कह रहे थे पेड़ों पे चिकन रहती है। यहाँ पे देखो उन्होंने प्रूव भी कर दिया, ये बैठा हुआ चिकन पेड़ पे दिख रहा आपको? अरे भाई मुझे लगा मेरे पीछे आ रहा है। ये हमारे मटन का बनता है, मटन सीख कबाब। दो पकड़ देता हूँ। दो कितने के? 1500 रुपए के आपके। दो, ये मुर्गी है मेरे ख्याल से ना। हाँ मुर्गा नहीं है, मुर्गा और ज्यादा छोटा होगा, पर है टेस्टी जो बात है। अभी क्योंकि अंडे पे नहीं है। पकड़ रहा मेरा भाई, नितिन ये पकड़ा 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 इसको छोड़ दे, वो पकड़ ऊपर वाला जो उस साइड है। किधर? ऊपर पेड़ पे, ये वाला भाई साहब जो चढ़े हैं। हाँ जी हाँ जी, ये पकड़ने वाला भाई मुर्गा उड़ने वाला है ये। हाँ अरे तभी तो ऊपर चढ़ा हो। अरे भाई पकड़ लिया पकड़ 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 पकड़। हाँ भाई ये भाई पकड़ लिया। ये हमारे दो मुर्गे उड़ने वाले। ये देखो हमारे मटन सीख कबाब जो हमारे कल बनेंगे, और मटन बनेगा ये, इस बाइट वाले को खाएंगे हम। जिस साउंडिंग बैड बट यस दिस इज द ट्रुथ। चलो